कोरोना वायरस के चलते देश भर में लगी पाबंदियां अब धीरे धीरे कर खुलने लगी हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोरोना वायरस का असर या उसका फैलना कुछ कम हो गया है। दरअसल हर दिन बीतने के साथ कोरोना वायरस और ज़्यादा तेज़ी से फैलता जा रहा है। ये हम नहीं बल्कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी होने वाले आंकड़े बयान कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से गुरुवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 83,883 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिन्हें मिलाकर भारत में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 38 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। बताया गया है कि एक दिन में कोरोना के नए मामले सामने आने का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसी बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटों में 1,043 लोगों की मौत कोविड-19 की वजह से हुई है, जिसके बाद भारत में इस महामारी से मरने वालों की कुल संख्या 67,376 हो गई है। मंत्रालय के मुताबिक कुल 38 लाख मामलों में से करीब 8,15,000 मामले फिलहाल एक्टिव हैं। वहीं लगभग 30 लाख लोग संक्रमण के बाद पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। महाराष्ट्र में फिलहाल सबसे ज्यादा 2,02,000 से अधिक कोरोना एक्टिव मामले हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में 17,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज हुए हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है, जहां बीते 24 घंटों में 10,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। यहां कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 1 लाख से ऊपर हो चुकी है। कर्नाटक में भी बीते 24 घंटों में लगभग 10,000 नए मामले दर्ज हुए हैं और यहां के एक्टिव मामलों की संख्या भी 1 लाख के आंकड़े को छूने वाली है। बात राजधानी दिल्ली की करें तो कुछ दिन पहले यहां हालात संभलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन बीते 24 घंटों में दिल्ली में भी 2,500 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया था कि भारत में कोविड से होने वाली मृत्यु की दर काफ़ी कम है। मंत्रालय के अनुसार भारत में प्रति 10 लाख लोगों में से 48 लोगों की कोविड से मौत हो रही है, जबकि वैश्विक स्तर पर औसत प्रति 10 लाख लोगों पर 110 लोगों की मौत हो रही है।